अच्छा लगता नहीं है इस वक्त। तस्वीर आपके मीनाक्षी, अगर इस डेटा देखिए, डेटा हमारे पास आ गया है। अभी आशुतोष जी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि वोटिंग थोड़ा ठंडी रही, लेकिन देखिए बुलंदशहर में 11 बजे तक 25% वोटिंग दर्ज हुई है, नगीना में 23.78%, मथुरा में 23.7% वोटिंग 11 बजे तक, और अलीगढ़ में 11 बजे तक 23.81% जो है वोटिंग दर्ज हुई है। वहीं हाथरस में 25.93%, आगरा में 25%, फतेहपुर सीकरी में 23.47% और अमरोहा में 24.64%। फतेहपुर सीकरी से ही कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, हम देख रहे हैं अभी स्टूडियो में भी इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जो वोटिंग हो रही है वो पिछले बार के मुकाबले अगर उसकी तुलना करें तो थोड़ा रिस्पांस ठंडा है। जमीन पर आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 2014 जैसा माहौल तो नहीं दिख रहा है, और जिस तरीके से 2014 में अगर मैं याद करूं तो जिस तरीके से लाइनें लग रही थी उतनी लाइनें नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ उत्साह में कुछ कमी ज़रूर नज़र आ रही है और ज़मीन पर भी ये दिखाई पड़ रहा है। और अगर इस फतेहपुर सीकरी की बात करूँ तो यहाँ से राज बब्बर उम्मीदवार हैं, और राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस की कुछ सीटें जहाँ कांग्रेस को लगता है कि वो बेहतर कर पाएगी, जीत सकती है, उसमें से एक